नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार के खास कार्यक्रम दिन भर दिल्ली में। आज हम आपको बताएंगे कैसे पंचायत चुनाव में कम रुपए खर्च कर आप बन जाएंगे प्रधान, दिखाएंगे दुनिया पर कौन सा बड़ा खतरा आ धमका है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे लोग अब लगातार अपनी पहल से मिसाल भी बनते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया और गांव गांव मारुती मैदान में उतर गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप मात्र 600 रुपए खर्च करके बन जाएंगे प्रधान और कैसे कर सकते हैं गांव पे राज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सभी पदों के आरक्षण की सूची जारी हो गई है। आरक्षण की लिस्ट आने के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों में से किसी को खुशी मिली है तो किसी को सियासी झटका लगा है, खासकर उनके लिए जो पहले जीते हुए थे और अगले चुनाव की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन अब उनकी सीट किसी दूसरी जाति के लिए आरक्षित हो गयी है। पंचायत चुनावों की फाइनल आरक्षण सूची। प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सीटों की सूची तहसील और ब्लॉक में की गई चस्पा। आरक्षण की फाइनल सूची आने के बाद गांव-गांव चुनावी महासंग्राम शुरू हो जाएगा। भले ही आचार संहिता बाद में लगे, लेकिन गांवों में प्रधानी और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की तैयारी में लगे लोग अपने लिए वोटों की तलाश में जुट गए हैं और ये तैयारी आचार संहिता आते आते बढ़ती जाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पंचायत चुनाव में मात्र 650 रुपए खर्च करके कैसे कोई चुनाव जीत सकता है और बन सकता है प्रत्याशी। 650 से 4500 रुपए खर्च कर लड़ सकते हैं चुनाव। हर पंचायत पद के लिए अलग है धनराशि। 150 रुपए नामांकन शुल्क, 500 रुपए जमानत राशि, कुल 650 रुपए का खर्च। 300 रुपए नामांकन शुल्क, 2000 रुपए जमानत राशि, कुल 2300 रुपए का खर्च। 300 रुपए नामांकन शुल्क, 2000 रुपए जमानत राशि, कुल 2300 रुपए का खर्च। 500 रुपए नामांकन शुल्क, 4000 रुपए जमानत राशि, कुल 4500 रुपए का खर्च। वहीं अगर उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि की आधी धनराशि देनी होगी। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, प्रदेश के गांवों में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं पंचायत चुनाव में प्रधान पद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव आयोग ने कितने रुपए खर्च करने की लिमिट तय की है। प्रधान प्रत्याशी 75,000 रुपए खर्च करेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 10,000 रुपए खर्च करेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य 75,000 रुपए खर्च करेंगे। जिला पंचायत सदस्य 1,50,000 रुपए खर्च करेंगे। ब्लॉक प्रमुख 2,00,000 रुपए खर्च करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष 4,00,000 रुपए खर्च करेंगे। पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की जो लिमिट चुनाव आयोग ने तय की है वो 2015 के पंचायत चुनावों के समय की है और अब प्रत्याशियों को इतने रुपए में ही पेपर पैम्पलेट से लेकर चुनाव प्रचार करना है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अगर आप भी प्रधान बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। क्या आप भी प्रधान बनना चाहते हैं? हम देंगे प्रधान बनने का मूल मंत्र। 2 मिनट में जानिए प्रधान बनने का तरीका। इस प्लान से आपको मिल सकती है कामयाबी। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। हर गांव गली चौराहे चौबारे में प्रधानी की चर्चा है। प्रत्याशी भी कर्री धरे हैं और गांव गांव गणेश परिक्रमा चल रही है। लेकिन आपको पता है कि आपकी एक गलती आपके प्रधान बनने के सपने को चकनाचूर कर देगी।
और आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी गलती करनी ही क्यों, जब प्रधान बनना है तो पूरी तैयारी कीजिए, पुख्ता तैयारी कीजिए। तो बात यह है कि अगर आप भी प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने कागज मजबूत कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि सहकारी बैंक या समिति में आपका कोई भी बकाया ना हो। सहकारिता से लेना होगा नो ड्यूज। डीएम ने जारी किए आदेश, डीपीआरओ और बीडीओ को आदेश, प्रत्याशियों से लें नो ड्यूज। नो ड्यूज नहीं तो रद्द हो सकता है नामांकन। अगर आप भी पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं तो सभी जरूरी कागजों के साथ साथ नो ड्यूज भी ले लें, वरना ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाए और आपका नामांकन खारिज हो जाए और आप चुनाव ही ना लड़ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बुलंदशहर के समीर लोगों को संक्रमण से बचा रहे हैं। जो उम्र खेलने कूदने की होती है उसमें समीर सरकारी दफ्तरों में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति कैसे सचेत कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश का हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, इसी उद्देश्य के साथ सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था और इस अभियान को समीर की तरह के बच्चे सच साबित कर रहे हैं। ये बच्चा स्कूल भी जाता है और स्कूल से लौटकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी करता है। इसके बैग में स्कूल की किताबें नहीं है बल्कि मास्क भरे हैं और ये बच्चा हर रोज जिले भर में दफ्तर दफ्तर जाकर लोगों को मास्क बेचता है। लोगों से अपील करता है कि कोरोना से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। मास्क इसलिए बेचते हैं कि हर कोई कोरोना को भारी नहीं समझते हैं, क्योंकि हर कोई कहता है कोरोना तो गया, कोरोना तो गया, पर किसी को क्या पता कोरोना हर किसी में आ सकता है। पर हम कहते हैं मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, फिर भी कोई गरीब होता है तो हम उसे फ्री में दे देते हैं और सब कहते हैं मास्क नहीं लगाना, नहीं लगाना। 12 साल के समीर ने लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने की ठान ली है। समीर अभी क्लास 5th के स्टूडेंट हैं और स्कूल से जब लौटकर आते हैं तो सरकारी दफ्तरों और उनके बाहर लोगों को मास्क भी बेचते हैं। समीर के घर के हालात ठीक नहीं है, पिता सिलाई करते हैं लेकिन उससे घर का खर्च नहीं चल पाता है, इसीलिए समीर ने भी पिता का हाथ बटाने की ठान ली और स्कूल से सर्व शिक्षा अभियान का जो बैग मिला उसे पीठ पर रखकर मास्क बेचने निकल पड़े। मास्क बेचकर घर का खर्चा भी चला रहे हैं और लोगों को संक्रमण से भी बचा रहे हैं। हम 400 450 ऐसे मास्क बेच लेते हैं। कितने रुपए आपको उसमें जो आपकी मजदूरी मिल जाती है? हमें 200-250 रुपए बच जाते हैं। उस पैसे का फिर आप क्या करते हैं? हम अपने मम्मी पापा को दे देते हैं खर्चे के लिए। कल देख लेना। क्या करते हैं पापा आपके? कपड़े सीते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आकर यहाँ पे मास्क बेचते हैं। समीर जैसे गरीब बच्चों की अधिकारी भले ही सुध ना लेते हो लेकिन शायद समीर को अपनी जिम्मेदारी पता है, तभी वो इस उम्र में काम भी ऐसा कर रहा है जिससे लोगों की जिंदगी भी बचे और उनके घर का खर्चा भी चल जाए। बुलंदशहर से भारत समाचार के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। गुजरात में एक शराब तस्कर ने जुगाड़ करके गाड़ी में ऐसी जगह शराब की बोतलें छिपाई जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आपको दिखाएंगे कि गाड़ी को कैसे शराब तस्कर ने बना दिया शराब का तहखाना। बाहर से दूसरी गाड़ियों की तरह ये गाड़ी आपको दिख रही होगी लेकिन अपने आप में ये गाड़ी शराब का समंदर है। जुगाड़ के खेल से कैसे इस गाड़ी को शराब का बड़ा तहखाना बना दिया ये जब हम आपको दिखाएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपको पता होगा गुजरात में शराब रखने और बेचने पर पाबंदी है लेकिन शराब तस्करों ने ड्राई स्टेट गुजरात में शराब बेचने की जो तरकीब निकाली है उसे देखकर आप तस्करों की सोच को सलाम करने लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक शराब तस्कर ने अपनी गाड़ी को ही शराब का चलता फिरता तहखाना बना दिया और जितनी शराब उसने इस गाड़ी में छुपा ली उसे देखकर हैरान होना लाजमी है। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को, कैसे एक लोडर गाड़ी की पुलिस चेकिंग कर रही है। पुलिस सबसे पहले गाड़ी की नंबर प्लेट हटाती है
तब तक किसी को समझ में नहीं आता ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये प्लेट हटाकर गाड़ी के गेट को बाहर की तरफ खींचा जाता है तो शराब का समंदर निकल कर सामने आता है जिसकी बात की जा रही थी। ये शराब को छुपाने का जुगाड़ और उसकी तस्करी करने का जुगाड़ किया था। पूरी की पूरी लोडर गाड़ी को एक सेफ की रैक में बदल दिया गया था और उसी में ये लाखों रुपए की शराब छुपाकर तस्करी की जा रही थी, वो भी गुजरात में जहां शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा। 17 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को किलर तक कह दिया। इसके जवाब में पुतिन ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया और अमेरिका को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी। अब दो महाशक्तियों के बीच के इस विवाद में भारत किसके साथ खड़ा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया अभी कोरोना से संभली नहीं थी कि एक और बड़ी मुसीबत मुंह बाए दौड़ी चली आ रही। पूरी दुनिया के खात्मे कदम रखने वाली दो महाशक्तियां जिनके पास वीटो पावर है एक बार फिर से अपने अपने वर्चस्व को लेकर आमने सामने आ गए हैं, जिसका नतीजा दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में देखने को मिल सकता है। दुनिया के देश दो भागों में बंटते नजर आ रहे हैं, एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस, और इन्हीं दो महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन और पुतिन के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। रूस और अमेरिका में लड़ाई, दुनिया की टेंशन बढ़ाई, वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बजाई। एक तरफ जहां चीन अमेरिका को व्यापार और ताकत के मुद्दे पर पहले से ही चुनौती दे रहा था, अब रूस के साथ हुए इस ताजा विवाद ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पुतिन और बाइडेन के बीच हुए ताजा विवाद ने जहां दुनिया को सकते में डाल दिया है तो दूसरी तरफ भारत के लिए भी दुविधा बढ़ा दी है। भारत ना तो अमेरिका को छोड़ सकता है और ना ही रूस से दूर जा सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए भारत तभी भरोसेमंद बन सकता है जब वो रूस को लेकर अमेरिकी लाइन का समर्थन करेगा, और भारत अगर ऐसा करता है तो वो अपना सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस की दोस्ती खो देगा, जो अभी तक हर मौके पर भारत की मदद करता था। और वैसे भी भारत और रूस के मध्य अरबों रुपए का सैन्य समझौता है। बाइडेन पुतिन के वर्चस्व की जंग, भारत होगा किसके संग? एक पक्ष चुनना नहीं आसान। रूस और अमेरिका दोनों से अलग रिश्ता, क्या गुट निरपेक्षता से अब बनेगी बात? लेकिन अब जैसे जैसे अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ेगा वैसे वैसे भारत पर दबाव बढ़ेगा, और वो स्पष्ट लाइन बताए। भारत की लाइन नेहरू कालीन विदेशी नीति से अलग नहीं हो पाई। शीत युद्ध के दौरान भी भारत ने किसी खेमे में जाने से परहेज किया था और गुट निरपेक्षता को चुना था, लेकिन तब की दुनिया बदल गई है। अब दुनिया इस लाइन पर चल रही है कि या तो आप मेरे साथ हैं या खिलाफ हैं। भारत और चीन के साथ भी हुए ताजा विवाद में भी रूस ने जहां अपने दोस्त चीन का ना तो विरोध किया था और ना ही साथ दिया था, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने खुलकर चीन का विरोध किया था और भारत का साथ दिया था। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा पोलराइज्ड हुई है। चीन और रूस का कहना है कि अमेरिका एक ध्रुवीय दुनिया चाहता है, जबकि वो बहुध्रुवीय दुनिया चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई एक ध्रुवीय बनाम बहुध्रुवीय की नहीं है, बल्कि वर्चस्व की है। रूस और अमेरिका अपने इतिहास से नहीं निकल पा रहे, लेकिन भारत जैसी तीसरी दुनिया के देशों के लिए वर्चस्व की ये लड़ाई भारी पड़ सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी के प्राइमरी स्कूलों की हालत अब बदल रही है। प्राइमरी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को कैसे टक्कर दे रहे, इस रिपोर्ट में देखिए।
ये तस्वीरें बिजनौर के एक सरकारी स्कूल की हैं। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है, लेकिन हकीकत में ये सरकारी स्कूल है और इस स्कूल की हालत बदली है ऑपरेशन कायाकल्प से। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए आलीशान बेंचे हैं, बच्चों को स्कूल में समय पर भोजन दिया जाता है, साफ सुथरे टॉयलेट बने हैं, स्कूल की दीवारों को खूब सजाया गया है जिससे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा सके। सरकारी स्कूल अब पहले जैसे नहीं है। ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों की तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। विद्यालय में 294 छात्रों का नामांकन है और यह लगभग इतना ही रहता है, 300 से ज्यादा ही रहता है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत पंचायत की निधियों से परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने के संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके 14 बिंदुओं पर कार्य किया जाना सुनिश्चित है। बिजनौर से सटे जलालपुर काजी और पूरनपुर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 14 बिंदुओं पर काम हो रहा है। स्कूलों में शुद्ध पेयजल, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से शौचालय और लाइट की व्यवस्था की गई है। स्कूल की टीचर के मुताबिक पहले बच्चे सरकारी स्कूल आने में कतराते थे, लेकिन अब बच्चों को भी स्कूल आने में अच्छा लगता है। बच्चे आसानी से चीजों को समझते हैं और काफी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प जैसे नाम से स्पष्ट है, काया मतलब स्कूल की बिल्डिंग में बदलाव, उसके काया में परिवर्तन हुआ है। बहुत कुछ परिवर्तन हुए, पहले प्रिंट रिच एनवायरनमेंट नहीं था, अब बच्चे जहाँ भी कहीं देखते हैं उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एनवायरनमेंट को प्रिंट रिच बनाया गया है, मल्टीपल हैंडवॉश की सुविधा, विद्युतीकरण, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए रैम और उनके लिए अलग से शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में 31 मार्च तक काम पूरे करने हैं और इसका असर भी दिखाई देने लगा है। अगर ऑपरेशन कायाकल्प से हर जिले में अच्छे से काम होता है तो गांव के लोग भी बड़े गर्व से कह सकेंगे कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बिजनौर से भारत समाचार के लिए सरफराज खान की रिपोर्ट।